चलो तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम लेट बात कर रहे हैं साथ और हम लोग निकल चुके हैं नुब्रा वैली के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी हम करवाएंगे पहले टैंक फुल, अपना तो कर लिया, बाइक का करवाएंगे अब, ठीक है, और उसके बाद फिर चलते हैं सफ़र की तरफ। आज मौसम साफ़ है यहाँ पे भी, आगे पता नहीं। नुब्रा वैली के बीच में आएगा खारदुंगला, वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप सेकंड नंबर पे मोटरबोट, जो मोटरबोट नहीं होता, पौने सात हो गए। तो परमिशन हमने ले लिया है क्योंकि आप बिना परमिशन के ए सिटी तो घूम सकते हो, लेकिन जो बाहर अगर आपको जाना पड़ेगा जो वैलीज हैं या जितने पास हैं वहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने कल ही बनवा लिया। तो दोस्तों अभी हमने टैंक करवा लिया फुल, अब चलते हैं नुब्रा वैली। तो दोस्तों अभी हम ले सिटी से बाहर निकल गए हैं, ये नीचे रहेगी सारी ले सिटी और हम अभी निकल पड़े हैं नुब्रा वैली के लिए। रोड यहाँ के बहुत प्यारे हैं, आगे आगे देखो क्या होता है। PB Pant 82555। अच्छा कोई नहीं, होता है, होता है। लगातार चेक करने तो होता है, होता है यार। चलिए इंजन, थैंक यू भाई जी। अच्छा भाई जी, मैं भी अभी आया था पर्सनल लेके, चलो ठीक है भाई जी, ओके। तो दोस्तों यहाँ सीन है ऐसा कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है पर्सनल तो आपको आगे जाने देंगे, और अगर आपने रेंट पे गाड़ी ले रखी है मनाली से तो ये आपको आगे नहीं जाने देंगे। आपको फिर जो लेह के लोकल हैं या लेह की जो गाड़ी है वो आपको रेंट में लेना पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटीज चेक होती है। ये इनका मनाली और इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, जो बाइक एसोसिएशन वाले हैं जो रेंट पर देते हैं, तो इसलिए ये सीन, इसलिए हमें चेक हो सकता है यहाँ पर। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है फिर तो कोई सीन नहीं, आपके आर सी और लाइसेंस चेक होगा, उसके बाद आपको जाने देंगे। अगर नहीं है तो आपको ये गाड़ी यहीं छोड़ना पड़ेगी जो मनाली साहब ने रेंट पे ली है, और आप यहाँ से गाड़ी लेना पड़ेगी। और अगर आपके किसी ब्लड रिलेशन की है तो आपको वह प्रूव करना पड़ेगा कि आपके ब्लड रिलेशन से ये गाड़ी है, ये सब चीज़ें यहाँ। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ कुल्लू और यहाँ हो गया पास चेक। परमिशन लगने है और कुछ भी परमिशन बोलो, परमिशन बोलो ना, और कुछ चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज के दिन की जो वीडियोस थी उसकी सारी की सारी जो डिस्क थी वो करप्ट हो गई, अब पता नहीं कैसे हुई, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कुछ एक मैं रिकवर करने में सक्सेस भी हो गया। सो अभी हम लोग साउथ कुल्लू में
अपने जो परमिट था उसकी हार्ड कॉपी जमा करवा के आगे निकलते हैं खारदुंग के लिए। खारदुंग दोस्तों वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड और पास है, ऐसा हर जगह मेंशन किया गया है। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं खारदुंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का परमिट आपको लेह में बनवाना पड़ेगा अगर आपको लेह से बाहर जाना है, तो इस तरह से कुछ परमिट बनता है। ये परमिट वहाँ पे जो लोकल साइबर कैफ़े हैं वहाँ पे बन सकता है या आप डीसी ऑफिस में जाके बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जो वहाँ पे लोकल साइबर कैफ़े वाले हैं उनसे बनवा लें या ख़ुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आसानी से ये बन जाता है। इसके कुछ फ़ीस रहती है। अभी हम तीन लोग थे तो हमारी 1380 रुपीज़ कुल मिला के फ़ीस लगी, तो उसमें से जो उनके कुछ पर्सनल चार्ज थे वो भी उन्होंने चार्ज किए, तो हमें करीब 600 रुपये पर बंदा एक परमिट बना। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं खारदुंगला, और ये जो आप सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये खारदुंगला पास की पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ खारदुंगला। तो दोस्तों ये है खारदुंगला पास। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो सीएचएन का बेसमेंट है वो 164 किलोमीटर है। वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। मैं ये कि फ़ोटो डाल देता हूँ, आप इसको आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो अभी हम निकलते हैं उसके बाद नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली करीब 160 किलोमीटर है लेह से, और इसके बाद आएगा नॉर्थ कुल्लू। नॉर्थ कुल्लू लेह से करीब 54 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से आपका रहेगा करीब 28 किलोमीटर। नॉर्थ कुल्लू में आपकी एक और एंट्री होगी, जो आपने पास लिया था, जो परमिट लिया था लेह से, वो उसकी एक हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा होगी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको अपने जो परमिट है उसकी फ़ोटो कॉपी जमा कराने के बाद आगे जाने दिया जाएगा, फिर आप पहुँचोगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली तक मैं आपको कोई भी वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वो करप्ट हो गई पूरी। तो ये सब फ़ोटोज़ आपको बीच में देखने को मिलेंगे ऐसे एरियाज। तो अभी हम पहुंचते हैं नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली में आपको बता दूं कि नुब्रा वैली में राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है, आप वहाँ पर राफ्टिंग कर सकते हो। अभी नुब्रा वैली और यहाँ करते हैं लंच यार, और ये निकल गया सीधा सीएचएन के लिए जहाँ ये बस लगी है। चलिए लंच करते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों नुब्रा वैली में लंच करने के बाद हम लोग निकलते हैं दिस्कित मॉनेस्ट्री के लिए, जो कि नुब्रा वैली से करीब 70 किलोमीटर के आसपास है। बहुत ही पुरानी मॉनेस्ट्री है ये, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। तो हम लोगों ने भी एक्सप्लोर किया दिस्कित मॉनेस्ट्री, और अगर आप भी कभी जाना चाहें तो नुब्रा वैली गए हैं तो दिस्कित मॉनेस्ट्री ज़रूर जाइए। मैं एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी जितनी वीडियोस थी वो सारी मैं रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन फ़ोटोज़ थे कुछ एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों ऐसा रहा हमारा कुछ आज का दिन, जो कि सारी वीडियोस ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ यार आपको फिर भी अच्छी लगी होगी। और अभी शाम को हम लोग पहुँचते हैं ले 6 बजे, और थक जाते हैं, आराम करते हैं आराम से। कल सुबह का प्लान है वापस मनाली आने का, तो चलिए देखते हैं कल का दिन कैसे रहता है। नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।